अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 का लेक्चर नंबर है 45। वो टॉपिक है मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सर्किट के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, मतलब आपके हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम स्टडी करने लगे हैं आज। अब इसमें देखें, फर्स्ट तीन मायरिंग इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं कि फर्स्ट आपका है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड है एमीटर, थर्ड वन है वोल्ट मीटर। ठीक है, फर्स्ट हमारा गैल्वेनोमीटर है कि हम सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या है वो हम आज स्टडी करेंगे। गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन करते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। क्या मतलब, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की इन अ सर्किट में। ठीक है, कि सर्किट के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी डिटेक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हमें पता चल जाता है। देखें, एक इसका हम सर्किट के अंदर जब आपने सर्किट को कनेक्ट किया है कि क्या सर्किट के अंदर करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि करंट पास कर रहा है, जिसके लिए हम डिवाइस चूज़ करेंगे कि कौन सा डिवाइस, गैल्वेनोमीटर, जो डिटेक्ट करेगा करंट को। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल ये है कि इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इस सेकेंड वन आपका है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मेयरिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मेयर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब एमीटर को हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो हम देखें, अगर आपका गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब डिटेक्शन तो आपने कर लिया, अब वो करंट कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, एमीटर को। एमीटर क्या करेगा, करंट को मेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर। अब एम्पियर को हम डिनोट करते हैं किसे, एसआई यूनिट से, ए से। ठीक है, अब इसका एक और मेन पार्ट ये है कि मतलब देखें, जब आप एमीटर को सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब एमीटर को सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, सीरीज़ की फॉर्म में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब थर्ड वन यहाँ पे ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं, इसी तरह हम गैल्वेनोमीटर से करंट की डिटेक्शन करते हैं, एमीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वोल्टेज या हम ये कह सकते हैं कि आपने कितनी बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है सर्किट के साथ, उसकी पोटेंशियल को मेयर करने के लिए, उस बैटरी के वोल्टेज को मेयर करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर को। ठीक है, वोल्ट मीटर की हम डेफिनेशन करते हैं कि वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस डैट मेयर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बल्कि डैट मेयर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मतलब हम दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर भी क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब जिस तरह आपने पढ़ा है कि एमीटर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर सीरीज़ की फॉर्म में, इस तरह हम पढ़ते हैं कि वोल्ट मीटर को हम सर्किट के अंदर किस तरह कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, पैरेलल की फॉर्म में। वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर हम करते हैं सीरीज़ में। ठीक है, अब मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट तीन थे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। जिस तरह आपने ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर लिया, इसी तरह इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट।